अब जलगढ़ में शुगर मिल गेट पर फाकियों कार्यकर्ताओं का धरना पांचवें दिन भी जारी रहा। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण फाकियों की मांगों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। धरने में पहुंचे पूर्व वाइस चेयरमैन अनिल राठी शामिल हुए। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाकियों किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। वार्ता में किसानों और चीनी मिलों के अफसरों के बीच कोई समाधान नहीं निकल पाया। अगर किसानों की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार रहे। धरने को आज पांचवा दिन हो चुका है। कृषि अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने किसानों की समस्याओं का निस्तारण नहीं करवाया है। मिल प्रशासन अगर गांव जाफराबाद के किसानों का गन्ना नहीं लेना चाहता है तो इन्हें फ्री कर दें। अगर सेंटर नहीं बनवाया गया तो किसानों को नादे ही मिले। गन्ना डालने के लिए फ्री किए जाने की बात कही। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष मदन सिंह राणा ने कहा कि किसानों का आज धरने पर बैठे हुए पांचवा दिन लगातार चल रहा है। शासन प्रशासन के द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है। दो तीन दिन में समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया गया था। धरना जो मिल गेट पे दिया जा रहा है, इसका आज चौथा दिन है, पांचवा दिन। इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है? मैं ब्लॉक अध्यक्ष मदन सिंह राणा अफजलगढ़। आज पांचवा दिन हमारा लगातार जो धरना चल रहा है, इसमें अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा गुमराह करा जा रहा कि जी दो दिन में लग जाएगा, तीन दिन में लग जाएगा। अभी हमें तो वहीं का वहीं लग रहा कि अभी हमें वहीं छोड़ रखा, ये गुमराह कर रहे हैं। और हमारा कल जो है हमारा कूच लखनऊ के लिए है। गन्ना आयुक्त साहब के सामने भी ये बात उठाई जाएगी। इनकी 25 तारीख की जो संरक्षण आदेश का 11 तारीख में संरक्षण आदेश हुआ था सेंटर का जाफराबाद का, उसकी 25 तारीख में सीमा भी समाप्त हो जाएगी। 25 तारीख तक का इन पे समय है। और अगर इन्होंने ऐसी हठधर्मता मिल वालों ने, सोसाइटी वालों ने दिखाई, तो इनका जो मेन गेट जो है इसे भी 27, 28 या 29 में जिस दिन भी हम पूर्ण से यहाँ पहुँच जाएंगे लखनऊ से, इसे बंद करके पूरा सीज करा जाएगा। ये भारतीय किसान यूनियन यो जो करना नहीं चाह रही थी वो कार्य ये मिल प्रशासन करवाना चाह रहे। हम जाएंगे जब भी यहाँ से, जब हमें जाफराबाद का क्रय केंद्र रख जाएगा, वरना जाएंगे नहीं और लड़ेंगे मरते दम तक। लड़ना हमारी संगठन की जिम्मेदारी बनती, क्योंकि अब हमारा जो ये जो गन्ना सेंटर की लड़ाई भारतीय किसान यूनियन के द्वारा लड़ी जा रही, हम किसी जनप्रतिनिधि का विरोध नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। कोई भी इसे सेंटर को लगवा दो, सबकी वाहवाह करेंगे, लेकिन जो अगर हमारा विरोध करेगा तो उसका विरोध करा जाएगा। नमस्कार। सेंटर के पांचवा दिन हो गया धरना चलते हुए, अभी तक जो है किसी भी मिल प्रशासन ने या किसी कर्मचारी ने या अधिकारी ने या हमारे प्रतिनिधि ने भी आज तक किसी किसानों की कोई सुध नहीं ली। ठीक है, ये जो है सेंटर 17 सालों से सेंटर वहीं चलता आ रहा था और अब की बार भी इनको गुमराह करके सेंटर का खड्डा खुदवाया गया और राजनीति उसमें इस मामले को ले जाकर सेंटर का मामला फंसा दिया। ठीक है जी, ये किसान उसी को गन्ना देना चाहते हैं, अगर नहीं इनका गन्ना लेना चाहता मिल प्रशासन तो इनको फ्री छोड़ दे, ये जो है नादी को देने को स्वतंत्र हैं। अगर इनका सेंटर नहीं लिया था तो इन पर कोई दबाव ना दिया जाए कि भाई सेंटर वहाँ डालो या वहाँ डालो। ठीक है जी, तो हम किसानों की यही मांग है। ये और धरना ये आपका कब तक जारी रहेगा? ये धरना जब तक जारी रहेगा, या तो ये सेंटर लगे या ये नादी को दे दिया जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।